वेल गाइस, तो फाइनली NJPW का पावर स्ट्रगल पेपर व्यू ओवर हो चुका है और आज यहां पर NJPW के पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर बुलेट क्लब का न्यूएस्ट मेंबर रिवील हो चुका है। गाइस, यहां पर पावर स्ट्रगल के सेमी मेन इवेंट के ऊपर डेविड फिनली आज उनका टाइटल टाइची के खिलाफ डिफेंड करते गए और शॉकिंगली इस मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर सनाडा के इंटरफेरेंस की वजह से डेविड फिनली टाइची को हराकर टाइटल को जीत जाते गए और मैच के ओवर होने के बाद सनाडा ऑफिशियली यहां पर ये रिवील करते गए कि वो यहां पर बुलेट क्लब को ज्वाइन कर चुके गए और अब यहां पर सनाडा डेविड फिनली के फैक्शन बुलेट क्लब के मेंबर के तौर पर काम करेंगे। बट गाइस, सनाडा के बुलेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद आज NJPW के पावर स्ट्रगल के मेन इवेंट के ऊपर शिंगो ताकागी वर्ल्ड चैंपियन जैक सेबरे जूनियर को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों के आधे घंटे के सॉलिड मैच के बाद जैक सेबरे जूनियर उनके फिनिशर के साथ टाइटल को रिटेन तो कर लेते गए बट मैच के ओवर होने के बाद NJPW के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार शोता इमिनो रिंग के अंदर आकर जैक सेबरे जूनियर को रसल किंगडम के लिए चैलेंज करते गए। यहां पर जैक सेबरे जूनियर के चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद जब शोता इमिनो रिंग से वॉक ऑफ कर रहे होते गए तभी सडनली रिकोसेट यहां पर NJPW पर रिटर्न करके आज यहां पर जैक सेबरे जूनियर पर अटैक करते गए। तो यहां पर नेक्स्ट ईयर के रसल डायनेस्टी पेपरव्यू के ऊपर 5 जनवरी को टोक्यो डोम में जैक सेबरे जूनियर को वॉर्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। बोल गाइस, आज यहां पर NJPW के साल के आखिरी बड़े पेपरव्यू पावर स्ट्रगल के एंडिंग के ऊपर रसल किंगडम 19 और NJPW AEW रेसल डायनेस्टी दोनों शो का मेन इवेंट कंफर्म हो चुका है और रिकोसेट फाइनली NJPW के अंदर 5 सालों के बाद वापस आ चुके हैं।